डिस्कस करीशु के देवमां गया पछी शुं हालत छे। तमे एकवार पुण्य बांधो एटले देवगतिमां तो जता रहो, पण देवगतिमां गया पछीनी गति शुं? कारण के ए लोकोना पर तो कोई कंट्रोल जो होतो ज नथी। आप मनुष्य के लिए तो फिर भी लिमिटेशंस है कि भाई उनको कोई पिछले आगे का नॉलेज नहीं है कि वो किसी से दुश्मनी ले या किसी से वैर बदले की भावना से किसी का ज़्यादा से ज़्यादा बुरा कर पाए, मनुष्य में ये कैपेसिटी नहीं है। लेकिन जो देव है, देव बने हैं, उनके पास तो पूरी अथॉरिटी है, कैपेसिटी भी है। वो चाहे उतना अगले व्यक्ति को परेशानी नरक में भी जाके दे सकते हैं, मनुष्य लोक में भी आके दे सकते हैं। अब हमें सिर्फ ये सोचना है कि देव तो बन गए, लेकिन देव के बाद की गति क्या होगी। यही मतलब इनके ऊपर काबू तो किसी का नहीं है, और जो भी जिनके ऊपर काबू नहीं है वो तो हमेशा बेकाबू गति तो भवांतर में तो बहुत बड़ी तकलीफ ला सकती है। देव के ऊपर काबू किसी का नहीं होता। हाँ बोल। और ऊपर से भोगते भोगते नया तो कोई भी गति में बनने वाला है। नया कर्म तो किसी भी गति में बंधेगा ही बंधेगा, मात्र कम करना है या खत्म करना है वो ही मनुष्य में होता है बस। यहाँ प्रॉब्लम क्या होगा पता है? पुण्य तो आपने बहुत ज्यादा कमा लिया, उस पुण्य से आपको देव गति जैसी गति मिल गई। अब वहां पे तो सारा का सारा पुण्य आप खत्म ही करोगे। एक चीज को हमें याद रखना है, देव मरने के बाद वापस देव कभी नहीं होते। ये बड़ा मुद्दा है, इसको ही हम खोलेंगे कि देव ने अगर अपने सारे पुण्य को भोग लिया देव गति में जाके, तो अगले भव में पुण्य तो है ही नहीं उसके पास कि उसको वापस देव गति मिले। क्योंकि वो देव गति में रह के कितना भी पुण्य कमाएगा ना, कितना भी चाहे ज्यादा पुण्य कमाए, लेकिन फिर भी वो देव गति में नहीं जा सकता। ये सही है, मनुष्य में रह के आप मनुष्य गति में के योग्य पुण्य बांधोगे तो मनुष्य गति जरूर मिलेगी, लेकिन देव गति में रह के आप कितना भी पुण्य कमा लो आपको वापस देव गति कभी नहीं मिलेगी। मनुष्य जन्म पर नाच मिलेगा, मनुष्य मिल सकता है खाली 10%, हाँ खाली 10%। अभी एक चीज जाननी है जो बहुत महत्व की है कि देव गति में से आप मनुष्य गति में दान शील तप और भाव, ये चार चीज से लेकर जितना भी बढ़िया पुण्य बांधोगे आप उस हिसाब से देव गति में जाओगे। लेकिन देव गति में अपना आयु खत्म करने के बाद सिर्फ 10% देव, 100 में से खाली 10 देव ही है जो मनुष्य में आते, बाकी सारे देव, बाकी सारे 90% देव एक इंद्रियों में जाते हैं। क्योंकि देव मर के नरक में भी नहीं जाते, देव के लिए दो ही गति है, क्योंकि वहां उतना पुण्य तो उन्होंने किया, पाप तो किया नहीं है, उतना तो पाप किया ही नहीं है कि वो नरक में भी जाए, और उतना पुण्य भी नहीं है कि वो वापस देव गति में वापस जाए। अब उनको जाना कहाँ है, या तो मनुष्य में जाएंगे या एक इंद्रियों में जाएंगे, तिर्यंश में जाएंगे, या मनुष्य गति या तिर्यंश गति। तो देव 90% देव गति में जाने के बाद तिर्यंश गति में ही जाते हैं 90%, और वो भी एक इंद्रियों में, खास करके एक इंद्रियों में 90% तो एक इंद्रियों में जाते हैं। क्योंकि होता क्या है पता है, देव लोक में जाने के बाद वो जो रत्न और जो होते हैं ना विमान, रत्नों के विमान या रत्न से वो इतने ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं, क्योंकि देवलोक में तो क्या है विमान पे विमान है, इंद्रिय के जो स्टोन होते हैं ना रत्न,
इन लोगों को रत्न का सबसे ज्यादा मोह होता है। देवलोक में सबसे ज्यादा अगर किसी को मोह हो जाए देवों को, तो वो रत्न का होता है। रत्न के प्रति लालच, रत्न के प्रति मोह, क्योंकि सारे विमान ये सारे स्फटिक रत्न के ही बने हुए। वहां ऊपर जाने के बाद तो रत्न ही रत्न है, समझ लो। ये अपना इंडिया का, ये भारत का, ये कोहिनूर लंदन चला गया, ऊपर जाने के बाद करोड़ों कोहिनूर मिलेंगे। और देव हमेशा, एक चीज आपको याद रखनी है, अगर आपके अंदर माया ज्यादा है तो आप नरक में जाओगे, और आपके अंदर लोभ ज्यादा है तो अवश्य देव योनि में जाओगे। देव योनि जो चार है ना, चार कषाय, अब यहाँ पे हमारा पड़ा हुआ बहुत काम आएगा। जो चार कषाय है, क्रोध, मान, माया और लोभ, ये चार कषाय में से माया कषाय जिसके अंदर भी ज्यादा है, मतलब इधर का इधर करना, इधर का इधर करना, किसी को बराबर नहीं देना, किसी को कम और ज्यादा देना, इसको माया कहा जाता है। जो चीज है उसकी जगह उसको उल्टा करके बताना। ये जिनके अंदर माया ज्यादा होगी ना, वो जरूर नरक में जाएंगे। लेकिन जिनके अंदर लोभ ज्यादा होगा कि भाई कोई चीज किसी को नहीं देना, जरूरत है मुझे कभी भी कल वापस चाहिए, मुझे ये मेरी चीज है, ये मेरे ही पास रहनी चाहिए, इसको लोभ कहा गया। अभी भी किसके यहाँ, प्लीज चालू है, बंद करिए माइक, रिकॉर्डिंग हो रहा है, उसमें आवाज जाएगी, रिकॉर्डिंग में है ना, आवाज चली जाती है इसलिए। तो ये जो लोभ कषाय है, वही जिसके अंदर ज्यादा लोभ हुआ कि भाई इतना छोटा भी रबर है तो संभाल के रखो, संभाल के रखो तब तक ठीक है, आप अपने उपयोग के लिए रखो तब तक ठीक है, लेकिन कोई ले गया है तो उसको भी याद करके वापस लाओ। किसी को भी कोई छोटी सी चीज भी दान में नहीं देना चाहता है, जिसको दान देना ही अच्छा नहीं लगता है, समझ लेना ये देव गति में जीव जाएगा। और वहां जाने के बाद जो भी वहां के रत्न है, जो भी आभूषण है, उसके अंदर वो इतना मोहांध हो जाता है कि पूरा देवलोक का करोड़ों वर्षों का आयु कब खत्म हो गया उसको मालूम भी नहीं पड़ता है। पुण्य भोगना है, मजा करनी है, एंजॉय करना है, अपने अपने कषाय के हिसाब से वो आगे आगे आगे, क्योंकि लोभ कषाय ज्यादा है, इसका अर्थ ये नहीं कि उसके अंदर बाकी के कषाय नहीं है। बाकी के कषाय, जो जो कषाय ज्यादा होंगे उस हिसाब से तो उसका बिहेवियर रहेगा ही रहेगा। हमें सिर्फ इतना ही समझना है कि देव बनने के बाद आप में ताकत बढ़ गई, पुण्य बढ़ गया, और समझदारी नहीं हो तो क्या होगा? विवेक नहीं है, समझदारी बढ़ गई है, पुण्य बढ़ गया है, ताकत बढ़ गई, अब क्या करोगे? और उसका क्या बाद में क्या परिणाम आएगा, बस हमें ये सोचना कि इसके बाद हमारा क्या परिणाम आ सकता है। हमें तो यही नहीं पता कि ये सारी चीज मिलने के बाद हम पर क्या बीतेगी। कांता जी जरा आप माइक बंद कर दीजिए, कांता जी माइक बंद कर दीजिए। हाँ, हमें ये नहीं पता है कि ये सारा होने के बाद, देखिए अभी एक सबसे महत्व की बात हम ये जानेंगे कि यहाँ ऐसा हम क्या करेंगे जो हमें देव गति मिले। आप मनुष्य में रहकर ऐसा क्या करो जो आपको देव गति मिले। आप किसी भी प्रकार से पुण्य बढ़ाओ, आप अगर मनुष्य बनके कि कोई भी प्रकार का पुण्य बढ़ाओगे तो आपको देव और मनुष्य ये दो ही गति मिलेगी। आपके पुण्य, आपने पुण्य कमाया लेकिन आपने वैराग्य नहीं पाया। देखो यहाँ बहुत बहुत महत्व की बात है, अगर पुण्य के साथ वैराग्य होगा तो ही आप मनुष्य में वापस आओगे। अगर आपके अंदर वैराग्य नहीं है और सिर्फ पुण्य है, दान, शील, तप और भाव, ये चार चीज से ही धर्म होता है और इसी चार से पुण्य मिलता है। हम हर एक चीज को समझेंगे। दान क्या होता है? तो वस्त्र दान, आभूषण दान, पैसा, धन दान, कीर्ति दान, यश दान, प्रतिष्ठा दान। आप अगर किसी की यश प्रतिष्ठा बढ़ा रहे हो तो भी आप उसको यश दान दे रहे हो।
आप किसी को पढ़ने की सुविधा करा रहे हो, उपलब्ध करा रहे हो, तो आप ज्ञान दान दे रहे हो। किसी को भी समझाते हो, पढ़ाते हो, तो भी ज्ञान दान हो गया। उसके बाद कीर्ति दान, धन दान, लक्ष्मी दान, उसके बाद जो किसी का रोग उपचार करना, किसी की सेवा करना, ये भी बहुत बड़ा दान होता है। व्यावच किसी की, मतलब किसी का ध्यान रखना, किसी की तबीयत का ध्यान रखना, इन सब चीज से आपको, दान से आपको पुण्य जरूर मिलेगा। शील की बात आ गई, तो शील में भी चारित्रवान रहना, जो सच है वही उसके ऊपर ही चलना, जो गलत है उसके ऊपर नहीं चलना, ये तो लगभग 90% मनुष्य ये चाहेंगे, अच्छे मनुष्य जरूर चाहेंगे कि हमें गलत काम नहीं करना चाहिए, हमें गलती पे नहीं जाना है, हमें किसी को तकलीफ नहीं देनी, यही तो सबसे बड़ा चारित्र है। चारित्र का मतलब कैरेक्टर। हम अपने कैरेक्टर में नंबर 1 रहे तो जरूर पुण्य बनेगा। उसके बाद है तप। तप का मतलब ये हो गया कि कोई भी प्रकार का उपवास, व्रत, पचखांड, उसके बाद किसी भी ध्यान साधना, समाधि में जाना, जाप करना, मंत्र जाप करना, तंत्र मंत्र, ये सब तप है। उसके बाद आता है भाव। भाव मतलब उत्कृष्ट भावना, किसी के लिए भी बुरा नहीं सोचना, ये बहुत बड़ी उत्कृष्ट भावना। किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना, उसकी तकलीफों को समझना, ये भी आपके उत्कृष्ट भाव हो गए। तो ये 4 चीज का अगर आप ध्यान रख के आपका मनुष्य जीवन जी रहे हो, और साथ में ये भी ध्यान रख रहे हो कि शारीरिक हर किसी को मुझे भी सुख चाहिए, मुझे मेरे शरीर का सुख चाहिए, मैं चाहता हूं मैं निरोगी रहूं, मैं शरीर का ज्यादा ध्यान रखूं, किसी और के शरीर का तो ध्यान रखूं, सबसे पहले अपने शरीर का ध्यान, समय से दवाइयां लूं, मेरे आंखों में ज्यादा नुकसान ना हो पाए, ज्यादा नंबर ना बढ़ पाए, पहले से ही उसका ध्यान रखूं, क्योंकि मुझे चश्मा अच्छा नहीं लगता है, इसके लिए भी मैं आंख का ज्यादा ध्यान रखूं, ऐसे ही शरीर का ज्यादा ध्यान रखूं कि मुझे चलना है, मुझे दौड़ना है, मैं स्पेशली ये वॉक या योगा या कोई भी ऐसे तरीके से मैं अपने शरीर का ज्यादा स्वास्थ्य और ज्यादा उससे ओरिएंटेड मैं हर चीज करूं, ताकि मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहे, मेरा शरीर अच्छा रहे। शरीर अच्छा रहेगा तो मैं हर चीज सुख भोग पाऊं। सुख भोगने की इच्छा से, या मुझे दुख नहीं चाहिए, मैं मेरे शरीर की पीड़ा नहीं सहन कर पाऊंगा, ये सोच के आप शरीर को अच्छा रखो। बहुत फर्क है इसमें, आपकी सोच क्या है उसके ऊपर। आप ये देख रहे हो कि कुछ लोग ऐसे तप करते हैं कि शरीर सूख गया है, हड्डियां दिख रही है, लेकिन फिर भी वो तप किए जा रहे हैं। उनको ये नहीं चिंता है कि भाई ये कोरोना काल में भी अगर मैंने 28 कर लिए, मैंने मांस खमण कर लिया, मैंने 6 महीने का उपवास कर लिया, तो मेरी इम्यूनिटी लो हो जाएगी, तो मुझे हेल्थ में दिक्कत आ सकती है, ये सोच के भी कोई तप ना करे। ये सोच के भी अगर कोई व्रत उपवास नहीं कर रहा कि भाई मेरे शरीर में ये घट जाएगा, मैं बीमार हो जाऊंगा, उससे भी अच्छा है मैं अपने शरीर का ध्यान रखूं और मैं कुछ ना करूं, तो जरूर समझो आप कि आपने पुण्य तो बढ़ाया, लेकिन शरीर का बहुत ध्यान रखा। जिस चीज का ध्यान रखोगे ना, वो अगले जन्म में जरूर मिलेगा, क्योंकि हमारा फोकस ही वो चीज के ऊपर। आपको दुख नहीं चाहिए, आप किसी को दुख दोगे नहीं, आपने किसी को दुख नहीं दिया तो आपको दुख मिलेगा ही नहीं, सीधा हिसाब। इसी तरह मैंने शरीर का ध्यान रखा, मैंने शरीर को बहुत संभाला, तो मुझे शरीर अवश्य मिलेगा। इसके अलावा जो महीने का तप कर रहा है, कोरोना में भी 15 दिन का तप कर रहा है, कोई 6 महीने का तप कर रहा है, उपवास कर रहे हैं, उनको अपने शरीर की चिंता नहीं है, वो ये सोच के कर रहे हैं कि जो होगा ऊपर वाला देखेगा, मुझे मेरे इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए रोज खाना वो जरूरी नहीं, मेरे से हो सकता है मैं करूँ। बस बात ये है, अगर आपसे हो रहा है आप जरूर करो।
अगर नहीं हो रहा है तो कोई और तरीके का तप करो, अगर नहीं हो रहा है और नहीं कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हो सकता है और आपने ये सोच के नहीं किया कि कहीं मेरी इम्यूनिटी वीक हो गई, उससे तो अच्छा है मैं 4 टाइम बराबर खाऊं, मैं अपने शरीर का ध्यान रखूं, मैं पहले मेरी इम्यूनिटी स्ट्रांग करूं। अगर आपने ये सोच लिया ना, तो ये पुण्य आपका, जो पुण्य है ना, वो आपको दूसरे जन्म में शरीर देने का, शरीर सबसे उत्तम शरीर देने का काम करेगा। पुण्य बढ़ाया है, भोग का पुण्य बढ़ाया है, भोग का सोच के पुण्य बढ़ाया तो शरीर मिलेगा, पुण्य बढ़ाया है तो देवलोक मिलेगा, सीधी बात। हाँ, वैराग्य के साथ अगर पुण्य बढ़ाया है ना, बहुत जरूरी है ये जानना कि वैराग्य के साथ, वैराग्य मतलब ये सोच के कि भाई एक दिन तो ये शरीर अग्नि को सौंपना ही सौंपना है, मुझे इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, ना मुझे ये देखना है कि ये अच्छा रहे, ना मुझे ये सोचना है कि मैं 10 साल ज्यादा जीऊं, उस हिसाब से इसको संभालूं ताकि मुझे कल को 10 साल तक और बढ़िया सारी सुख सुविधा में भोग सकूं। अगर ये सोच के अगर आपने अपने शरीर का ध्यान रखा ना, तो यही पुण्य और यही शरीर का मोह, ये दोनों मिलके आपको देवलोक ही भेजेंगे। उसके अलावा कहीं नहीं जाओगे। और वहां जो भी आपने पुण्य खर्च कर लिया कि भाई मेरे मेरा जो भी पुण्य है या मेरा जो भी मैं सोच के शरीर को संभालना, शरीर को भोगना चाहता हूँ, वहां तो बहुत भोग है, बहुत ऐश्वर्य है, बहुत बहुत है। और वहां तो आपका शरीर वृद्ध भी नहीं होता, आप मन से या शरीर से भी कितने कितने कितनी देवियों को, अगर देव कोई भोगना चाहे या देवी खुद कितने भी देव को भी भोगना चाहे, मनुष्यों को भी भोगना चाहे, वो भोग सकते हैं। आपको ये मालूम होगा, रंभा, उर्वशी, मेनका ने विश्वामित्र जी के साथ, जो ऋषि थे विश्वामित्र, और मेनका अप्सरा थी, देवी थी, लेकिन दोनों का संबंध बना है। पहले हमें यही समझना है, यही बात समझनी है कि देव बनने के बाद आप सिर्फ देव के साथ ही भोग करते हो, वो नहीं है, आप मनुष्य के साथ भी भोग कर सकते हो। देव देवता तो क्या मनुष्य को भी नहीं छोड़ते, उतनी अंदर उनके अंदर काम और भोग और वासना दबी हुई होती। आपको पता है, एक बात मैं बताऊं, समझने जैसी बात है, अगर किसी स्त्री के शरीर में कोई पुरुष, ये जो भूत प्रेत या पिशाच अंदर उसके शरीर में प्रवेश कर लेता है ना, वो सिर्फ उसके शरीर को भोगने के लिए ही प्रवेश करता है, और कोई कारण नहीं होता है, और कोई कारण नहीं। ये शास्त्रों में, हिंदू शास्त्रों में तो यहां तक कहा है कि जैसे चंद्रदेव थे ना, चंद्रदेव ने अहल्या, आपको मालूम होगा वो जो राम जी गए थे और उनके पैर से जो पत्थर था वो अहल्या बन गए थे, आपको ये पता होगा। वो अहल्या तो बाद में बने, पहले वो अहल्या जी पत्थर क्यों बने वो जानने की बात है। अहल्या जी पत्थर ही इसलिए बनी कि जो भी गौतम ऋषि थे उनकी पत्नी थी अहल्या, और ऋषि गए थे बाहर स्नान करने के लिए, और चंद्र ने ऋषि का रूप लिया, चंद्रदेव ने, जो हम आकाश में जो चंद्र और चांद की बात कर रहे हैं ना, इंद्र ने ऋषि का रूप लिया और वो मनुष्य का रूप लेकर उन्होंने आके अहल्या के साथ भोग भोगे। ऋषि को जब ये मालूम पड़ा कि इंद्र ने आकर ये काम किया है, तो उन्होंने अहल्या को श्राप दे दिया और वो पत्थर की मूर्त बन गई, और राम जी के वहां जाने से और उनके पैर लगने से वो स्त्री हुई है। ये तो इतिहास में ये बात तो सब जानते। तो
तो इंद्र जैसे देव भी अपनी लालसा को रोक नहीं सकते हैं। आपको पता है मनुष्य मनुष्य के बीच शरीर भोगने का लालसा, वो तो मनुष्य मनुष्य से क्या भोग करेगा, देव आके मनुष्य से भोग कर जाते। देव तो मनुष्य मनुष्य को नहीं छोड़ता है। देव जो भी इस प्रकार से भोग करते हैं ना, इसको तो हम बलात्कार ही कहेंगे, और क्या कहेंगे। जबरदस्ती किसी स्त्री के शरीर में जाकर रहना या उसके ही पति का रूप ले धारण करना और उसके साथ भोग भोगना, इसको क्या कहोगे, ये बलात्कार नहीं है क्या। तो देव बनने के बाद तो ये सब बढ़ जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा। सालों तक किसी भी स्त्री के शरीर में प्रवेश करना और उसके साथ भोग भोगना। रेखा जी जरा माइक बंद कर दीजिए प्लीज। रेखा जी माइक्रोफोन बंद कर दीजिए। सालों तक किसी के शरीर में रहना और उसके शरीर को ऐसे ही इस प्रकार से भोग भोगते हुए लूटते रहना, क्योंकि इनको आना ही क्यों है। आप यही सोचो कि कोई भी देव मनुष्य के शरीर में आता ही क्यों है, आता ही क्यों। तो यहां जाने के बाद तो इंद्रियों पे काबू तो भूल जाओ आप। इंद्रिय पर काबू रखने की जो शक्ति है, जो ताकत है, वो सिर्फ मनुष्य के अंदर है। बहुत सी चीज हम जानेंगे कि मनुष्य के अंदर क्या क्या क्वालिटी है। परमात्मा ने इस भव को ही योग योनि क्यों माना है, मनुष्य भव को ही योग योनि क्यों माना है। आपको पता है जानवर में भी शेर, अगर शेर का बच्चा, शेर का बच्चा अगर बड़ा शेर बन जाए ना, तो उसकी माँ शेरनी को भी वो नहीं छोड़ता है, उससे भी उसके और बच्चे बनेंगे। वो माँ और बच्चे का व्यवहार, सिर्फ वो छोटा बच्चा है तब तक ही है बस, उसके बाद में माँ बेटे का व्यवहार नहीं रहता दोनों में। यही हालत कुत्ते बिल्ली में भी है, यही हालत कुत्ते बिल्ली में भी। अपने ही बच्चे बड़े हो जाए ना, कुत्तों के अपने ही बच्चे बड़े हो जाए ना, बड़ा होने के बाद वो ये नहीं देखते हैं कि ये मेरे ही बच्चे थे जो आज बड़ा होके मेरे सामने आए। तो देव में और तिर्यंच में, देव में भी और तिर्यंच में भी कोई फर्क ही नहीं है, क्योंकि ये सोच ही नहीं है उनके अंदर, सिर्फ काम भोग और उसको भोगने की लालसा, कुछ नहीं बस। अब इंद्र के पास इतनी अप्सराएं पड़ी है, उनको अहल्या को भोगने की क्या जरूरत थी, इतना तो सोचो। वो भी रूप बदल कर आना, उसके ही पति का रूप धारण करना, ऐसे ही चंद्रदेव ने भी किया था। ऐसे कह रहे चंद्रदेव वो बुध की पत्नी तारा, गुरु की पत्नी तारा से चंद्र ने भोग भोगे, और ऐसे ही बुध ग्रह का जन्म हुआ है, या इतिहास ये भी बता रहा है। बहुत से ऐसे आपको घटनाएं मिलेगी कि देव खुद आकर मनुष्य के साथ रहते हैं, यहाँ तक कि बच्चे को भी जन्म देते। ऐसा नहीं है सिर्फ कि ये खाली भोग भोग कर चले गए, ऐसा भी नहीं। दूसरा आपको ये भी पता है, बहुत ये बहुत जगविदित बात है, पांचों पांडव का जन्म कैसे हुआ। पांचों में से एक भी पांडव का जन्म पांडु राजा से नहीं हुआ है। पांचों के पांचों पांडव को कुंती माता ने, कुंती जी ने जो जो मंत्र, जो जो देव का मिला था, वो एक एक देव से उनको एक एक बच्चा मिला है। सूर्य से कर्ण मिला, धर्म राजा से युधिष्ठिर मिले, बाकी तो सारी बात आपको पता है। मतलब मेरा कहने का अर्थ यही है कि मनुष्य तो मनुष्य के ऊपर,
उसके ऊपर शारीरिक शोषण और ये सब आप देखते हो। देव योनि में जाने के बाद तो देवों का देवों से भी शोषण होगा और देवों का मनुष्य से भी शोषण होगा। कोई मनुष्य जाके देव के साथ संबंध बांधे ऐसा तो हमने सुना नहीं है, क्योंकि देव ही आते नीचे, मनुष्य तो देवलोक में जा नहीं पाएगा। देव को ही पूर्व भव का ज्ञान होता है, यही हमें समझना है कि ये पूर्व भव का ज्ञान जो देव के पास है वो उनके उनके अपने पूर्व भव का ज्ञान है। एक एक बात समझना, उनको आपके पूर्व भव का ज्ञान नहीं होगा, तीनों काल का ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि तीनों काल का ज्ञान जिसको भी होगा ना उनको सबके तीनों काल का ज्ञान होगा, सब सब व्यक्ति के तीनों काल का ज्ञान होगा। तो जो त्रिकाल ज्ञानी है ना वो देव नहीं, क्योंकि त्रिकाल ज्ञानी के पास तो उसके सामने जो भी आएगा उसका तीन काल का ज्ञान होगा। देव को आपके तीन काल का ज्ञान नहीं है, उसको उसका अपना तीन काल का ज्ञान, वो भी पूर्व भव का। तीन काल भी मैं नहीं कहूंगी, आने वाला भव तो उसको सिर्फ उसके मृत्यु के समय ही वो जान सकता है कि अब वो कहाँ जाएगा। या 6 महीने पहले ऐसा बोलते हैं, उसके गले में एक माला होती है, देवों की कुछ निशानियां हैं, उसके गले में एक फूल की माला, जैसे ही वो जन्मता है उसके गले में एक फूल की माला होती है। जब वो फूल की माला, जब तक वो सुगंधित है उसको ये मालूम रहता है कि पता ही नहीं चलता उसके आयुष्य के कितने साल निकले, लेकिन जब उसकी वो माला फूल, ऐसे हम बोलते हैं ना, फूल खराब हो जाते हैं, कर्माते हैं ना, तब उसे पता चल जाता है कि अब 6 महीने बाद मेरी मृत्यु होगी, अब मेरा 6 महीने का ही आयुष्य बाकी। तब वो देख सकता है कि अब मैं यहाँ से कहाँ जन्म लेने जाने वाला हूँ, उसे ये पता चल जाता है, और तब वो देखता है कि अब वो कहाँ पे जन्म लेगा, और वहाँ जन्म लेने के बाद उसको वहाँ जाके क्या क्या करना है उसका वो पहले से, ये बड़ा फायदा है, बहुत से देवों ने इसका फायदा उठाया भी है। इसके लिए मैं आपको एक कहानी जरूर बताना चाहूँगी कि एक देव थे ऐसे ही वैरागी, थोड़े बहुत उनमें संकित था, वो वैरागी थे, और देवलोक में जाने के बाद तो उनके ऐसे, जैसे हम बोलते हैं ना, हम खाली एक पिक्चर देखते हैं ना, उनके ऐसे एक एक पिक्चर 2000 वर्ष तक चलते हैं। हमारे जैसे एक पिक्चर 3 घंटा चलता है ना, हम देखते रहते हैं, हमको एंजॉय मिलता है, उसमें खुशी मिलती है। 3-3 घंटे तक आप एक जगह बैठकर पिक्चर देख सकते हो, आपको पता भी नहीं चलता 3 घंटे निकल गए। वैसे ही देवलोक में जो इस प्रकार से नाटक और पिक्चर चलते हैं, 2000 साल निकल जाते हैं उसमें। उनको खाना पीना तो है नहीं कि कुछ याद आ जाए कि मेरा खाना बाकी है। तो ऐसे ही एक देव को मालूम पड़ा 6 महीना बाकी था, उसके गले की माला सूख गई, तो उसे समझ में आ गया कि अब मैं मरने वाला हूँ। तो उसने देखा कि मैं मरने के बाद कहाँ जाऊँगा, देव को ये फैसिलिटी होती है। तब उसने देखा कि मैं अगले भव में, कुछ पहाड़ी इलाका है वो पहाड़ों के बीच में मैं बंदर बनूंगा। उसे ये मालूम पड़ा कि मैं बंदर बनूंगा और मैं ये एरिया में मेरा जन्म होगा। तो उसको बहुत दुख हुआ, बहुत तकलीफ हुई। अपना पिछला भव तो उसको पता था, ये भव देव का था, अब आने वाला भव मेरा बंदर का है। तो वो ये सोच में पड़ गया कि अब मेरी क्या हालत होगी, मैं बंदर ना बनूं, मैं कुछ भी हो मैं बंदर ना बनूं। ये सोच के वो एक किसी देव था, कहीं भी जा सकता था, तो किसी एक महात्मा के पास वो चला गया कि भाई ये साधु महात्मा है तो ये मुझे जरूर रास्ता बताएंगे। तो महात्मा के पास चला गया, महात्मा को जाकर उसने, जैन साधु थे, उसने पूछा, देव तो जाते हैं महात्मा से बात भी करते हैं, और उन्होंने बताया कि मैं ये देवलोक में हूँ, लेकिन अभी 6 महीने बाद तो मेरी मृत्यु निश्चित है, और मुझे ये पता चल गया है कि मैं ये एरिया में जाऊँगा, जन्म लूँगा, पर मैं बंदर बनूंगा, और महात्मा जी मैं ये नहीं चाहता कि मैं बंदर बनूं, आप मुझे ये बताओ, कोई रास्ता दो कि मैं मेरा अगला जन्म में कुछ अच्छे से सुधर पाऊं, मैं नहीं चाहता बंदर बनना, आप बताओ।
महात्मा जी तो जानते थे कि भाई आयुष्य तो जो निश्चित है उसमें तो उसको जाना ही जाना है। लेकिन ये बंदर बनने के बाद भी अगर ये चाहे तो इस चीज का उसे अच्छे से फायदा हो सकता है। तो उन्होंने उनसे बहुत सारी बातें की तो पता भी चला कि भाई ये देव कोई भोग और इसके पीछे उतना नहीं है जितना नॉर्मल देव देवी होते हैं। इसके अंदर भी थोड़ा सम्यक ज्ञान है, वो समझदार है और वो ये थोड़ा वैरागी भी है। तो उन्होंने एक रास्ता सूझा है, उन्होंने बंदर को देव को एक रास्ता सूझा है कि आप ऐसा करो, बंदर तो आप बनोगे उसमें तो ना मैं बचा सकता हूँ ना आप खुद बच सकते हो, लेकिन आप एक काम जरूर करो, बंदर जहां पर आप बंदर बनोगे वो पर्वतों के बीच में बहुत सारे पर्वतों के ऊपर जाकर आप नौकार मंत्र लिखो। उन्होंने एक नौकार मंत्र का जो था वो लिख कर दिए और बोला कि आप हर पहाड़ी के टोच, वो बंदर जहां पर कूद कूद कर जो जो एरिया में जाएगा ना वो सब पहाड़ के ऊपर जाकर आप ये नौकार लिख दो, आप देव बनकर ये काम कर सकते हो। तो वो देव ने वो एरिया में देव गए और जो 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 जितने सारे बड़े बड़े पहाड़ थे और झाड़ थे वो वहां सब जगह उन्होंने कम से कम 500 जगह पे नौकर मंत्र लिख लिए। अब ये जो कार्य किया ना, देखो अब यहाँ पे हम अपना जो अनकॉन्सियस माइंड है ना उसका उपयोग करो आप, ये देव ने अपने अनकॉन्सियस माइंड में एक कर्म बांध लिया, वो था 500 नौकार लिखने का, समझे आप। देव भव में चाहे उसने अपने अगले भव के लिए, लेकिन उसने किया क्या, तो 500 नौकार लिख लिया और अपने अनकॉन्सियस माइंड में उसको डाल दिया। अब एक ही 9 लाइन है, आप 500 बार लिखोगे तो आपको जवन ही याद हो जाएगा, आपकी मेमोरी में वो चीज आ जाएगी। 6 महीने तक इन्होंने यही काम किया, कुछ नहीं किया। 6 महीने तक उन्होंने वही जगह पर वो घूमते रहे जहां वो अगले जन्म में जाने वाले। उनको चिंता थी, बहुत चिंता थी कि मैं बंदर तो बन जाऊंगा लेकिन बंदर बनने के बाद सिर्फ अपना आने वाला जन्म देख सकते हैं, उसके बाद वाला नहीं। तो उन्होंने क्या किया कि ये नवकार मंत्र 500 बार जाकर लिखकर आ गए और ये मंत्र लिखने के कारण उनके अनकॉन्शियस माइंड में ये नवकार मंत्र बैठ गया, ऐसा जड़ गया, ऐसा जड़ गया कि उनका 6 महीने का आयु खत्म हो गई। उसके बाद उन्होंने उसी पहाड़ी के बीच में बंदर के रूप में जन्म भी ले लिया। अब जब बच्चा छोटा है तब तो वो ज्यादा ऊंचाई पर चढ़ नहीं सकता, लेकिन बड़ा हो गया बंदर, कुछ साल में जब बड़ा हो गया बंदर हो गया, तो वो बंदर बनते बनते वो पहाड़ी के बीच में घूम रहा है, वो झाड़ के ऊपर चढ़ रहा है, पहाड़ के ऊपर चढ़ रहा है, सब जगह चढ़ रहा है और जहां जहां ये लिखा हुआ है ना वहां जा जाके वो उसको देख रहा है। हुआ क्या, उसके अनकॉन्सियस में पड़ा है, उसको बंदर में तो ये याद नहीं आता है, अभी तो वो बंदर है, उसको पिछले बंदर को पिछले जन्म का कुछ नहीं याद, लेकिन वो जगह और वो लिखावट उसको लग रही है कि ये कुछ पहचानी सी है, ये कुछ पहचानी सी। जो काम उसने आपने किया है ना, आप अगर उस जगह चले जाओ ना तो आपको यही लगेगा कि मैं इसको जानता हूं। पता नहीं, मेरे साथ तो ऐसा हुआ है क्योंकि मैंने ये जन्म में ज्योतिष कभी सीखा ही नहीं है। शादी के बाद मेरी शादी हुई, घर में 20 साल के पंचांग पड़े थे, जैसे ही मैं पंचांग खोलती गई मुझे लग रहा है मुझे 2 साल में तो पूरा ज्योतिष आ गया। मुझे पता है, मुझे मालूम है कि सूर्य ये फल देगा, बुध ऐसे फल देगा, गुरु ऐसे फल देगा। यही चीज मेरे साथ भी हुई, पिछले जन्म में कहीं ज्योतिष छोड़ के आई होंगी और यहाँ आते ही मैंने पंचांग में खोलती गई और मुझे मालूम पड़ता गया कि ये मुझे पता है। यही चीज वो बंदर के साथ भी हुई होगी क्योंकि उसके अनकॉन्सियस में नौकार बैठ चुका था। जैसे ही वो कोई पहाड़ पे जाता, नौकार लिखा हुआ जाता, वो खुश हो जाता और हर जगह एक ही लिखावट, हर जगह एक ही लिखावट। तो कुछ समय के अंदर सब पर्वत पर चढ़ते 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 उसको ज्ञान हुआ, जैसे पूर्व जन्म का ज्ञान होता है, जैसे उसको पता चल गया कि ये चीज मैंने ही यहाँ आकर लिखी हुई है।
और इसी को जाति स्मरण ज्ञान बोला गया। जाति स्मरण ज्ञान एक अलग ज्ञान है। जाति स्मरण ज्ञान में ये होता है कि आपको, आप जो जाति में हो वो जाति में से आपको, आप पिछली जो जाति में थे, मतलब ये अभी बंदर है लेकिन पिछले जन्म में वो देव था और देव बन के उसने ये सारे नौकर लिखे थे, उसका उसे ज्ञान हो गया, इसी को जाति स्मरण ज्ञान कहते हैं। जाति स्मरण ज्ञान में आपको ये समझ में आ जाता है कि ये सारा मैंने ही ये मैं जानती हूँ, मुझे ये पता है, ये मैंने ही किया हुआ है और ये मुझे पता है, आपको ये इतना मालूम पड़ जाता है। तो ये देव बन के वो जीव ने इसका इस प्रकार से फायदा उठाया क्योंकि वो वैराग्य युक्त था। यहाँ पे सबसे बड़ी समझने की बात ये है कि अगर वो वैरागी देव नहीं होता, वो आम देव की तरह ही लोभ वासना और काम भोग, सबसे ज्यादा काम भोग देव करते, सबसे ज्यादा काम भोग, इतना ध्यान रखना, क्योंकि वहां कोई लिमिट ही नहीं है। मनुष्य में तो फिर भी लिमिट है, इसी यही कारण है कि 90% देव मरने के बाद तिर्यंच ही बनते हैं, या बंदर बनेंगे या कुत्ते बनेंगे, या ऐसे भी तिर्यंच नहीं कि जो लोगों को मार मार के खा जाए। देव बनने के बाद आप सिंह या रीछ या वरु नहीं बन सकते, लेकिन ऐसे तिर्यंच जरूर बनेंगे जिनके वहां जाके उसको भोग पूर्ण रूप से मिले। क्योंकि एक बात समझना, मनुष्य जन्म में भोग आपके अंदर अगर 25% भरा हुआ है ना, तो यहां से देव बनने के बाद तो उसको सीधा 50 ही होना है, और 50% से जब वो तिर्यंच बनेगा ना, तब वो 75% हो गया होगा, 3 गुना बढ़ जाएगा बीच में सिर्फ एक देव योनि में जाने के बाद। और यही कारण है कि बरसों के बाद, भवों के बाद, पता नहीं कितने सारे भव के बाद आपको फिर से मनुष्य योनि मिलती है, क्योंकि हम सब भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं। इसीलिए सबसे ज्यादा जरूरी है आप अपने अनकॉन्सियस में ऐसे संस्कार डालो, ऐसे संस्कार डालो कि देव बनने के बाद भी आप फिर से ये पूरी, क्योंकि मनुष्य में अगर आपने पुण्य इकट्ठा किया है तो या तो मनुष्य बनोगे या देव बनोगे, कोई दूसरी दो गति तो आएगी ही नहीं। और देव बनने के बाद तो आपके पास सिर्फ 10% बचा है अपने आप को बचाने के लिए, सिर्फ 10%। उसके बाद तो बचना भी मुश्किल है। हमें सिर्फ हमारा अनकॉन्सियस किसी भी खतरे में ना पड़े उसका पूरा ध्यान मनुष्य बन के रखना ही रखना है। क्योंकि अनकॉन्सियस में जो आपने डाला होगा, अनकॉन्सियस का मतलब ही है हमारे कर्मों की संज्ञाएं, हमारे कर्मों की थर, आपके कर्म के थर ही आपका अनकॉन्सियस। और वो जो बोलेगा ना, वो जब बोलेगा ना, उसको रोकने की या उसके विपरीत जाने की किसी की ताकत नहीं होगी, किसी की भी नहीं। आवाज बंद करो, आवाज प्लीज, माइक बंद करो। अभी जो आए हैं, कौन आए? वंदना जी माइक बंद करो। हमारे अनकॉन्सियस के पास इतनी ज्यादा शक्ति है कि भगवान भी अपनी बेटी को विपरीत जाते हुए नहीं रोक पाए हैं। कोई नहीं रोक सकता है, भगवान भी नीचे आ जाए ना आपके लिए, आपको बचाने के लिए, तब भी वो नहीं बचा पाए।
अगर अनकॉन्सियस में गलत आदत पड़ गई तो ठीक है, ध्यान शुरू करेंगे। अच्छा हुआ आप ऐसे ऐसे कोई भी मन में बात आए तो सवाल के रूप में किया करो, क्योंकि जान तो लेंगे हम, मोटी मोटी बात तो तुरंत जान लेंगे, लेकिन ये मोटी बात जानने के बाद देव के मामले में जान लिया, पर देव बनना क्या अच्छा है? और अगर अच्छा है तो वो किस एंगल से अच्छा है, और कौन देव अपने आप को बचा सकता है, ये सारी चीज़ तो जाननी बहुत ज़रूरी। वैराग्य के बगैर कोई भी भव में कुछ नहीं मिलने वाला, और वैराग्य को आप वासित, ऐसा नहीं वैराग्य मतलब साधु बन गए, वो वैराग्य नहीं है, वो सिर्फ बाह्य वैराग्य है। वैराग्य का भाव ही ये है कि हम अपनी सभी इंद्रियों के सुख की कामना ही कम कर दें, उसकी इच्छा ही कम करें, यही वैराग्य। उसका उपयोग कम करना है, उसकी इच्छा कम करनी है, उसके मामले में सोचना कम करना है। आपके बस में जितना हो उतना आपको जरूर करना, आपके कर्म का उदय ऐसा होगा, और अगर कोई चीज जो आप सोच रहे हो उससे विपरीत हो भी रही है तो कर्म का भुगतान हो रहा है। जहां भुगतान हो रहा है ये समझ के आप अगर उस वो इच्छा भी करोगे ना, भोग की इच्छा और आकांक्षा कर्म के बंधन को भोगने के लिए कर रहे हो ना, तो वो तो आप भोग के खत्म कर रहे हो, लेकिन उसमें भी अतिशयोक्ति शोभा नहीं देती। कहीं भी अतिशयोक्ति आ गई ना तो हमारी खुद की इच्छा अंदर होगी तो ही वो अतिशयोक्ति आएगी। जब तक हमारी खुद की इच्छा नहीं होगी ना, उसमें भी अतिरेक कभी नहीं आएगा। ठीक है, अगले क्लास में और डिटेल से जाएंगे। चलो ध्यान शुरू करते हैं। सांस भरो, प्राणायाम,
शांत हो जाइए, आंखें बंद, आपकी दोनों आंखें दो भ्रमर के बीच में ध्यान जाएगा, बिल्कुल शांत। और चेक कीजिए दोनों हथेली नजदीक, हाथ दूर लेते जाइए। शांत हो जाइए, बिल्कुल शांत। अपने आप को भूलना है, आंखें बंद करके जो शांत वातावरण है उसमें लगाना है। आपका ध्यान बिल्कुल नीरव शांति में लगाओ। कौन है हम, क्या है, सब भूल जाओ। अपने अस्तित्व को भूल जाओ, शरीर को भूल जाओ। अगर कोई चीज़ हमें नहीं चाहिए तो उसे भूलनी पड़ती है। आपका फोकस उसे भूलने के लिए होना चाहिए। फोकस शब्द को याद रखो। फोकस का मतलब ही है हमारे अनकॉन्शियस को कमांड करना। हमारी जो कर्म की सिस्टम है उसके ऊपर काबू लाना। पुराने जो भी कर्मों का ढगला ढग पड़ा हुआ है, कचरा पड़ा हुआ है,
उसको धीरे धीरे निकाल के खत्म करना, उसको ही फोकस कहेंगे। एक चीज हम याद रखेंगे, आज एक नई बात आप सुनोगे। शरीर चाहे साथ दे या ना दे, आप अपने फोकस की बहुत चिंता करोगे। आज से हम शरीर कैसे कंफर्टेबल ज़्यादा है, कैसे वो कंफर्टेबल हो सकता है, कैसे शरीर ज़्यादा अच्छे से चल सकता है, उसकी चिंता छोड़ देंगे। हम यही सोचेंगे कि कैसे कैसे नए नए कोई भी बंधनों में हम ना बंधे और पुराने बंधने हम खोलते जाए, पुराना हिसाब चुकता करते जाए और नया बंधन, नए कर्म में हम ना बंधे। बस हमारा फोकस आज के बाद यही होना चाहिए। किस चीज़ का हम ध्यान रखें, आप सोचो। हम आज हमारे शरीर की इतनी चिंता करने के बाद किस चीज़ का ध्यान रख रहे हैं? जब हमारी आत्मा इससे बाहर निकलेगी ना, इसको तो वैसे भी लोग जलाएंगे। फिर हमें क्यों इसकी चिंता करनी? क्यों करनी? इसकी चिंता करने में कितने लोगों का दिल दुखा देते हैं हम, कितने घर के अपने लोगों से झगड़ा मोल लेते हैं। क्यों करते हैं हम ऐसा? इस चीज की अहमियत हमारी जिंदगी में कितनी है, उसे हम सोचेंगे। अगले क्लास में हम इसके लिए जरूर डिस्कस करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम शुरू करो। आंख नाक बंद और
अनुलोम विलोम एक्सरसाइज करो। दो हाथ घिसिए, आंखों पे लगाइए। हरिओम। 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 आज आपने जो इंद्र के बारे में बताया हमें पहले नहीं मालूम था। अच्छा, आपको ये नहीं पता अहल्या का श्राप? अहल्या को इसीलिए ही तो श्राप लगा था। अहिल्या का श्राप वगैरह तो पता था, पर वो देव मतलब देव योनि में जाने के बाद ऐसा होता है वो नहीं पता था। हाँ, तभी तो देखो इंद्र को इसीलिए तो सोम मतलब दारू और सोमरस और अपनी अप्सराओं के बीच में ही तो हम पाते हैं इंद्र को। और जो हमारे शरीर में जो प्रवेश करते हैं, कोई देव हो कोई भूत प्रेत हो, वो क्यों आते हैं? आपके शरीर का भोग उसको चाहिए, तभी तो शरीर के अंदर आते हैं ना। जो भी उसमें जो भी अशुद्ध है वो तो ऐसे ही आएंगे। बाकी के जिनको ऐसे ही नॉर्मल अगर कोई अच्छे देव देवी है तो आपको परेशान नहीं करेंगे, आएंगे और चले जाएंगे, फिर आपको परेशान नहीं करेंगे। मतलब वो परेशान क्यों करेंगे? क्योंकि उनकी अपनी भावना ही गलत है, आपको तकलीफ पहुंचाने के इरादे से वो आते हैं। और जिनको आपको तकलीफ पहुंचाना है उसको तो आपके शरीर में रह के उसको आपका भोग करना ही करना है। आप देखना बहुत सारे ऐसी मनुष्य ऐसी स्त्रियां मिलेगी कि ऐसे कोई देव के उसके शरीर में आने के बाद तो उसके शरीर के ऊपर आप देखो बहुत सारे निशान बहुत सारे घाव सब आपको देखने को मिलेंगे। हर एक व्यक्ति किसी के भूत प्रेत के शरीर में आने से नॉर्मल बिहेव नहीं करती। तो वो भूत प्रेत और देव एक थोड़ी हुए। भूत देवों में ही तो अलग अलग योनियां हैं। देवों में कम से कम 20 प्रकार की योनि है जो अशुद्ध जैसे देव बोलते हैं जो आते हैं शरीर में वो तो भूत प्रेत बन के आते हैं। हाँ, तो देव थोड़ी होते हैं। भूत प्रेत की 8 प्रकार की अलग अलग योनि है। भूत प्रेत की ही 8 प्रकार की अलग अलग योनि, उसमें पिशाच आ गए, भूत आ गए, प्रेत आ गए, सब आ गए, चांडाल आ गए, वो जैसे बोलते हैं ना डाकण, डाकण नहीं बोलते हो आप? डाकण बोलते हो? डाकण शाकिन। हाँ, डाकण डाकिनी शाकिनी जिसका नाम है भूत पिशाच डाकिनी शाकिनी ये सारे वो 8 प्रकार के है, उसमें भी 8 अलग अलग प्रकार। और दूसरे भवनपति जो मैंने बोला जो महलों में रहते हैं जैसे कि बारिश के देव जैसे विद्युत बिजली गिराने वाले वो भी 10 प्रकार के। अब दोनों मिलके 18 प्रकार तो उनके हो गए। उसके बाद भी अगर किलबिश करके एक और 3 देवों की उसमें होते हैं, टोटल 21 प्रकार के देव तो अशुद्ध हो गए, शुद्ध नहीं अशुद्ध हो गए, अशुद्ध जाते। हाँ,
अब अशुद्ध जाति के देव है, उनके तो दिमाग में कुछ भी आएगा। वो अशुद्ध है तभी तो अपने देवत्व का उपयोग करके आपको परेशान देंगे ना। मतलब ये हुआ कि 21 प्रकार के देव ऐसे हैं जो सबको परेशान करते रहते हैं। अब 21 प्रकार के देव तो कोई कम नहीं है, हाँ बहुत है किस्से तो तंग बहुत है, बहुत है, करने बहुत। हम मनुष्य मनुष्य को क्या परेशान करेंगे, देव मनुष्य को सबसे ज्यादा परेशान करते। अच्छा। हाँ, ये वैसे पहली बार पता लगा कि देव भी मनुष्य को परेशान करते हैं। हमारे शरीर में आते हैं हम इतना तो जानते हैं, पर वो क्यों आते हैं ये तो सोचो। आपको परेशानी हो रही है तब भी वो जाते नहीं है, क्योंकि उनको अपना संबंध, आपका और उनका संबंध उनको याद रहता है। हमें पूर्व जन्म याद नहीं रहता, उनको पूर्व जन्म याद रहता है, इसीलिए। ठीक है, अगले क्लास में हम, ठीक हाँ जी, अगले क्लास में हम आगे जाएंगे और गुरुवार को मिलेंगे 6:15 बजे। थैंक ठीक है, यू वेलकम, बिंदु, थैंक यू, थैंक 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 यू यू प्रवीण प्रवीण भाई। खाता पे मजे में? हाँ मजे में एकदम, सर्दी का लुत्फ उठा रहे हैं, लग रहा है ठंडी चालू। हाँ ठंडी चालू है, ठंडी लग भी गई थी कब दो आओगे वापस दिन बम्बई? कब आ रहे पहले। हो बम्बई? कब आ रहे हो? मुंबई बच्चे बोल रहे न्यू ईयर करने के बाद ही जाना। अच्छा, बिंदु ठीक है ठीक है। तू भी बहुत अगरा सवाल पूछे छे यार। ना ना केम भाई, कौन हूँ तो जू बीच गई तो मने तो एम के बदा मरसो पर कोई नहीं मरे। आज गए थे नहीं आप? आज तो नहीं, मैं तो जाऊंगी तो खाली संडे सबको मिलने के लिए, मेरे से वो कुछ नहीं हाँ होता वही है। नहीं वही ठीक हाँ, है। बस संडे जाएंगे खाली, सबसे मिलने मिलो और बैठकर बातें करो तब जाएंगे, बाकी कसरत सब मेरे हाँ से नहीं नहीं ठीक, होती कब है। रिकॉर्ड हो रहा है ये सब? अभी कोई बात नहीं। थोड़ा कम ही बेटर है, थोड़े दिन और आराम से रहिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ और जी, कांता बहन आप अभी नेक्स्ट ईयर ही आना, बहुत खराब हालत है।